हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। दोनों ने निभाई मित्रता की, बन गई युग की गाथा। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। दीनहीन निर्धन था सुदामा, कृष्ण द्वारिकाधीश थे। एक रंग था एक था राजा, बचपन के दो मीत थे। है तो सुदामा कृष्ण मित्र, पर भाग्यहीन बेचारा। पत्नी के कहने पे सुदामा द्वारिकापुरी सिधारा। द्वारपाल क्या रोक सके जो, द्वारपाल क्या रोक सके जो कृष्ण शरण में आता। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। गले लगा के कृष्ण सुदामा को सिंहासन बैठाए। चुन चुन पांव से काट निकाले, आंसू से पग धोए। पत्नी ने जो दी थी पोटली, रंग सुदामा छुपा रहा। कैसे द्वारिकाधीश को दे दूं, कृष्ण से आंखें चुरा रहा। छीन लिया प्रभु जी ने पोटली, मुट्ठी भर चावल के बदले तीनों लोक दे डाला। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। कृष्ण सुदामा, प्रभु मैं। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है, ऐसे क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु, कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं
कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी, इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्ण। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। पत्नी भी भूखी सोई है, सो आधा चावल का दाना उसके लिए रख दिया, स्वयं आधा चावल का दाना खाएगा। वाह, इसे कहते हैं संतोष। अरे ये क्या,
बाघ की आधा दाना तो मुझे अर्पण कर रहा है। जिनको बाकी चावल का ये दाना अर्पण करने जा रहे हो, भला उनको इसकी क्या कद्र होगी? मुझ पर चाहे जितना भी क्रोध कर लो, परंतु अपने अंतर में श्रद्धा और भक्ति का दीपक मत बुझने दो। अच्छा भक्तराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूं, परंतु इतनी बात समझा दीजिए मुझे। क्या? यही कि आपको बाकी चावल का एक दाना मिला, सो आपने ये सोचकर कि वसुंधरा 2 दिन से भूखी होगी, आधा मेरे पास रख दिया और बाकी का आधा आपने स्वयं क्यों नहीं खाया? अपने उस भगवान को खिलाने क्यों चले गए? यदि ऐसा ही है तो ये लो, मेरे चावल का आधा दाना भी साथ ही चढ़ा दो। क्यों, तुम नहीं खाओगी? नहीं, भूख लगी होगी। जिसके पति को भूख नहीं लगती, उसकी पत्नी को कैसे भूख लग सकती है? ये चावल भी अपने उस भगवान को खिला दो, अपने उस मित्र को, उसी का पेट भरने दो। प्रभु को भेंट करना है तो अपना हिस्सा अपने हाथों से अर्पण करो, परंतु श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब आओ। हे सर्वात्मा, हे विश्वात्मा, शास्त्र कहता है श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया हुआ एक पत्ता हो, एक फूल हो, चाहे पानी की एक बूंद हो, वह आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देव, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ ये तुच्छ भेंट आपके उस विश्वात्मा रूप को अर्पण करते हैं, इसे स्वीकार करें ताकि समस्त विश्व के प्राणियों की आत्मा तृप्त हो जाए।
आपके हिस्से का भी आ गया। आगे चलकर आपको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। अहम विश्वात्मने स्वाहा, इसमें विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हों। वाह, आज पहली बार भक्त की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मिला। प्रभु, ऐसे अवसर रोज तो नहीं मिलेंगे, परंतु पेट तो रोज खाना मांगता है, कैसे निर्वाह होगा इनका? भिक्षा मांगने से? भवती भिक्षाम दे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भवती भिक्षां देहि, भिक्षां देहि भवती। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवन, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। भवती भिक्षां देहि। अरे कौन है? भवती भिक्षां देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, कल आना, समझे? श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भवती भिक्षां देहि। कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है, किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है, जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं? ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है, उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है, तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो पांचवें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भवती भिक्षां देहि। भवती
भिक्षाम दे। ब्राह्मण देवता तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी, आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है, वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं, नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं, ब्राह्मण का 6ठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है, वहाँ से नई धोती मिल जाएगी, नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री प्रभु। देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है, आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में ये खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा, कैसे कटेगा इसका कष्ट। देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा, अब थोड़ा ही समय रह गया है। को कैसे भूल गया, मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। Thank you.
असल में बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें भूल गया। माता मुझे क्षमा कर देना। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूं, भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। मेरा भोजन हो गया वसुंधरे। प्रभु मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? हाँ। भोजन करने से पहले ही? असली बात क्या है प्रभु? जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? किसने भोजन नहीं किया वासुदेव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है, फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। ये होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वचन देती हूं, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे।
तुम प्रेम वीर तुम दान वीर तुम सुंदरता के पुजारी दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारे जय जय महाराज महाराजाधिराज जय महाराज जय महाराज महाराजाधिराज जादू है तुम्हारे हाथों में कहूँ और तुम्हारी ख्याति है और तुम्हारी ख्याति है मदिरा को हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है मदिरा अमृत बन जाती है तुम इंद्रों से भी इंद्र बड़े ये इंद्र स्वभाव बतलाती है ये इंद्र स्वभाव बतलाती है जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंद्राणी वही कहती है इंद्राणी वही कहती है रति खेल निपुण सौंदर्य पार की कामदेव अवतारी दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी जय जय महाराज महाराजाधिराज जय जय महाराज महाराजाधिराज वाह 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 चक्रधर वाह तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने जी सुदामा सुदामा उससे कहो क्या लिखा है हमें सुनाए जी सुदामा इस तरह उठना गा ना अरे गाना अरे गा अरे गाना गाना का गाना का गाना का हाँ नहीं चक्रधर मुझसे नाटक नहीं होगा अरे मूर्ख हो गए हो क्या राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे हम दोनों को मार डालेगा अरे जल्दी गाना जो याद है वही सुना दे जो याद सुना वही सुना दे मुझे कुछ दोहे याद हैं अब दोहे वही सुना दे इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा सुना सुना अरे सुनाओ सुदामा सुनाओ सुनाओ सुदामा सुनाओ सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान दो दिन के सब ठाठ हैं दो दिन की ये शान भज ले हरी हरी ओ भज ले हरी हरी सुन राजा भजले हरी हरी कल राजा कोई और था कल होगा कोई और कल राजा कोई और था कल होगा कोई और किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और भजले हरी हरी भजले हरी हरी ओ मूरख भजले हरी हरी सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी ओ पगले भजले हरी हरी
ना बाटन हार, कोई तेरे पाप का भाग ना बाटन हार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरी हरी भजले हरी हरी ओ मूरख भजले हरी, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले बकवास। कोई है? ये मूरख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है, इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। नहीं, नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मार कर निकाल दो। जे जाओ जो आज्ञा महाराज। जा चला जा, तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है, क्या हिचकिचाहट है, क्या शर्म है? अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं, ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या हजार बार भी कनौड़ा बनना पड़े, तो लाज नहीं करनी चाहिए स्वामी? वसुंधरे वसुंधरे, अब और हट ना करो। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए, विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए। क्या कर रही हो? हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। थोड़ा दुखेगा,
पर घाव पर तेल लगा देती हूँ, कल तक आराम हो जाएगा। तेल 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 कहाँ से लेकर आई हो? दीपक में थोड़ा सा है। ये तेल मत लगाओ। क्यों? तेल लगाने से घाव भर जाएगा। घाव तो भर जाएगा, परंतु दीपक में इतना सही तो तेल बच गया है। यदि कल भिक्षा न मिली तो घर में दीपक भी नहीं जलेगा, इसलिए कल के लिए इस तेल को दीपक में ही रहने दो। मेरा घाव इतना गहरा नहीं है, स्वयं भी ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। ऐसे हठी ब्राह्मण की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते? कैसे भगवान हो? ये मुझसे सेवा नहीं कराते, ना सही। आप ही इनके घाव भर दो, आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। श्री कृष्ण, इसे क्षमा कर देना प्रभु, पगली है। लो देवी, पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं, और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। तो आप किसकी बात मानेंगे प्रभु? दोनों की। अर्थात? मैं समझी नहीं। एक की सेवा कर दूंगा, दूसरे को क्षमा कर दूंगा। तुम्हें मना किया था ना, तेल मत लगा, फिर क्यों लगा रही हो? ये नींद में किससे बातें कर रहे हो? तुम इसे तो कह रहा हो तेल मत लगाओ। परंतु मैं कब तेल लगा रही हूं? तेल नहीं लगा रही हो तो फिर क्या लगा रही हो? मैं तो सो रही हूं। सुंदर है, अभी अभी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है, ये देखो तेल की चिकनाहट।
क्या कह रहे हैं आप? चिकनाहट कहां से आ गई? ये देखो, अरे ये तो क्या, ये तो माखन है। ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। दिव्य घटना कैसी? ये देखिए माखन की कटोरी, ये अपने आप तो यहां नहीं आ सकती, इसे कोई लाया होगा। कौन लाया होगा? अभी तक नहीं समझे नाथ, मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्ण को कि वो स्वयं आकर आपकी सेवा क्यों नहीं करते, वो इसके उत्तर में वो सचमुच ही माखन की कटोरी लेकर स्वयं चले आए। उसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, उसे पाप हो गया, मैं पापी हूं। पापी तुम नहीं वसुंधरा, पापी तो मैं हूं जिसने अपने हट के कारण अपने स्वामी को, अपने प्रभु को यहां आने पर विवश कर दिया। इतना कष्ट दिया उन्हें, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरी बात सुनो, और क्या सुनूं मैं, तुमने तो मुझे पापी बना दिया। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है तुम्हें? इसमें मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। कैसा संदेश? यही कि जैसे वो कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास ना आने का हट करते रहोगे तो मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। स्वयं आना पड़ेगा? हाँ। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं, नहीं प्रभु, मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा प्रभु, मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु, मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा। प्रभु बधाई हो, प्रभु बधाई हो, वो आ रहा है, आप यही चाहते थे ना? लो, भगवान की जीत हो गई। ये भगवान की जीत नहीं रुक्मणी, एक मित्र की जीत है, एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण,
श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सुशीला बहन, थोड़े से तंदूल मांगने आई हूं, हो सके तो दो मुट्ठी तंदूल उधार दे दो। ये द्वारिका धीश से मिलने जा रहे हैं, राजा के पास खाली हाथों नहीं जा सकते ना, इसे ले आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। राजा के पास जा रहे हैं तो दो मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। नहीं नहीं बहन, इतने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है, थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान लेंगे। अच्छा ये लो। ये लीजिए, सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूं। मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे पास इतना ही है प्रभु। इतना भी बहुत है मित्र। अरे वाह प्रभु, आपकी भाभी ने तो आपके मजे करा दिए, अकेले मत खा जाना। चला सुदामा कृष्ण से मिलन द्वारिका धाम, जहां सुदामा के बसे घनश्याम, बाल सखा घनश्याम। चरण झरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में, तीनों लोक सहम गए अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि देना डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुबेर पंच मेरु डग मगाने लगे, इंद्र कान चित्त लगे नृत्य और गान में। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जान क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में।
भगवान, आपका भक्त तो शीघ्र हिम्मत हार बैठेगा। मुझे नहीं लगता कि द्वारिका तक पहुंच पाएगा। देखते हैं। क्या कर रहे हो विप्रवर? आपकी वेशभूषा देखकर लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं तथा आपकी आंखों में आध्यात्मिक तेज भी है, जिसे देखकर मन ने चाहा कि आपका आदर सत्कार करूं। भला एक सच्चे ब्राह्मण का आदर करने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? ये सश्री भावा, बड़े संस्कारी लगते हो। क्षमा करें दीन बंधु, आप आ कहां से रहे हैं और आप जा कहां रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। हाँ, परंतु इतनी कड़ी धूप में, इस पीड़ा में भी आप यात्रा कर रहे हैं? अरे पीड़ा कैसी,
तुम्हारी बंसी की धुन सुनते ही सारी पीड़ा दूर हो गई है। किशन कन्हैया की याद आ गई। बड़ी मनमोहक धुन बजा लेते हो तुम, बिल्कुल किशन कन्हैया की भांति। किससे सीखा ये जादू, ये धुन? ये धुन भी श्री कृष्ण की धुन है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे भगवान भी हैं और मेरे परम मित्र भी। उनके दर्शनों की अभिलाषा से ही द्वारिका जा रहा हूं। तुम भी द्वारिका जा रहे हो? मैं द्वारिका में ही रहता हूं ना। हाँ, अच्छा हुआ आप मिल गए, अब यात्रा आराम से कटेगी। मैं अपनी धर्म पत्नी को मायके छोड़ने गया था, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पग ही आगे नहीं उठते। अरे पग उठाने में तो मुझे आपत्ति है, तुम्हें कैसी कठिनाई? तुम तो अच्छे भले जवान हो। अरे कुछ ना पूछो, ये ससुरी जवानी ये खुद ही 10 कठिनाइयों की एक कठिनाई है, और उस पर ये अकेलापन। हाय, धर्म पत्नी को मायके छोड़कर जब पग आगे बढ़ाता हूं तो मन बावरा पीछे दौड़ने लगता है। क्या करूं, लक्ष्मी देवी की याद पीछा नहीं छोड़ती। लक्ष्मी देवी यानी तुम्हारी पत्नी? हाँ, वो तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। उसकी याद में कभी मुरली बजाता हूं और कभी गाना गाता हूं। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी दे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना हो, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। मान्यवर, आप अपनी पत्नी की याद में गाना नहीं गाते? नहीं नहीं, मैं नहीं गाता ऐसे गाने, मैं तो भगवान की स्तुति गाता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। फिर भी आपको अपनी पत्नी की याद तो सताती होगी। सच सच बताइए, सताती है ना? देखिए मित्र, मित्र से मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। बताइए बताइए बताइए। तुम भी बड़े विचित्र प्राणी हो, एकदम विचित्र। अभी दो पल ही नहीं हुए मिले हुए, लगे मित्रता जताने। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अरे अरे ब्राह्मण देव, बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव। अरे भैया, गीत ही गाते रहोगे या रात्रि का सोने का कुछ प्रबंध भी करोगे? अरे इधर उधर कोई गांव हो तो उधर चलो। मान्यवर, अब गांव कहां ढूंढेंगे? अरे वो देखिए, वो टूटा हुआ खंडहर। चलिए रात यहां आराम से कट जाएगी। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। श्री कृष्ण। वाह, रात का ठिकाने के लिए कितना रमणीय स्थान मिल गया। वाह, आइए ब्राह्मण देवता। तुम चलो, मैं भी आता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो मन में आता है वही करते हो। तो अब श्री गणेश करे ब्राह्मण देवता, आरंभ करें। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब माँ, माँ भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। आज ऐसे ही सो जाओ बेटे, त्वरिका से जब पिताजी आएंगे तो जी भर के खाना खाना, सो जाओ। तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझे पर मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इतना तो बता दो कि भूखे होते हुए भी भोजन ना करने का कारण क्या है? मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं भूखा छोड़कर आया हूं अपने पीछे। जय श्री कृष्ण। सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा, तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। आओ बेटा, आओ आओ आओ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण,
प्रणाम श्री। प्रणाम। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ ब्राह्मण ही हूं। ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बट रही है। आज दो दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर पकवान और खीर पूरी हर ब्राह्मण परिवार के वहां पहुंचाई जा रही है। 10-10 कोस तक हर गांव में। हाँ हर गांव में ब्राह्मणवाड़ी समता नगर मैनपुरी जनकपुरी और वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है। हाँ वृंदापुरी में भी। अरे भाई मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। मेरे सामने हर एक ब्राह्मण परिवार को बुला बुला कर खीर पूरी दी गई। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? हाँ सुदामा। क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं वभागा ब्राह्मण। सभी को खेद था कि कैसे समय नहीं है गांव में सुदामा। अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। हाँ? मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपकी पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। चलो चलो। अरे रे रे रे, ये क्या? बड़े स्वार्थी हो जी। हमने आपके कारण अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाया। अरे और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए, हमें पूछा तक नहीं। वाह शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए मैं यही खा लूंगा। अच्छा मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया क्षमा करना, भूल हो गई। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, परंतु आप मानते नहीं थे। मन जो नहीं मान रहा था। अब तो मन मान गया ना, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी भर कर खाइए। जल्दी जी। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उनके हाथों पारा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्कार। लक्ष्मी जैसी हमरी।
विप्रवर, अब तो आपका स्नान हो गया। हाँ। वो देखिए सामने आपके भगवान की मूर्ति है। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद, तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर ये दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चलिए पूजा आरंभ कीजिए। चलिए चलिए। श्री कृष्ण, 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 सकते। क्यों ब्राह्मण देवता, तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति, स्तुति तो मुझे आती नहीं। अच्छा,
तो मेरे साथ भगवान की स्तुति गाओ। अच्छी बात है। ब्राह्मण की आज्ञा है तो अवश्य गाऊंगा। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, 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 H
हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है, हमें पहचानो। समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं, इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। प्रभु, अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने। निहाल तो हम भी हो गए देवी, कई युगों में
ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं। जी विप्रवर, द्वारिका नगरी आ गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगर तुम न होते तो इतना लंबा रास्ता काटना कठिन हो जाता। अरे यूं कहिए, आपके कारण मेरा भी रास्ता आराम से कट गया। अच्छा, अब आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने घर चलता हूं। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण के घर का पता तो बता जाते भैया। द्वारिकाधीश का घर यहां का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजमहल कहां है, आपको बता देगा। नहीं, अगर तुम भी वहां तक चलते तो अच्छा होता। चिंता मत कीजिए, राजमहल निकट ही है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, आशीर्वाद। सुखी रहो, सुखी रहो। भाई साहब, अरे सुनिए तो सही भाई साहब। अब मैं अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। देव निर्मिता द्वारिका रही बैकुंठ लजा, दीन सुदामा द्विज करे चरण धरत सपूचा, मुझे कित जा। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भए, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाए। मूल्यवान रत्नों की जगमग कहे हरि, कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया है।
सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे? नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेश लाए हो? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अविराम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा,
सुदामा, सुदामा मेरा मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाए द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली, वायु का मत चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जू, भावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहा एक दरिद्र ब्राह्मण और कहा एक राजा, सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ, लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे। नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा ठोके, जगत हसाई से व्याकुल होके। आस के टुकड़े सुदामा संजो के, अश्रु में जीवन डूबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई। मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा, कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो वो फिर आ गया। सुदामा, 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 वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है। नैनों में दर्शनों की याद
याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा मेरे मित्र श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे, तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? बताओ क्या मैं इतना गिरा हुआ? बस करो मित्र, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल। आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आ गया, चलो आओ मित्र। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहां तब यश वर्णन के। Thank you.
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चंदन हल्दी तेल अरू उबटन रहे लगाए, सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे मंडल भया चंद्र समाना। दुग्ध दही मधु शक्कर भित से द्विज अभिषेक हो पंचामृत से। इतने भव्य अभिषेक के माही, तंदुल पोटली बिसरी नाही। भेंट ब्राह्मणी की बिसरी नाही। त्रिभुवन की जहां संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहां संपदा अन्न धन के भंडार, वहां स्थान कहां पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहां जहां लक्ष्मी का धाम, वहां सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा ये लाज
राज कमारा सोच रहा। सोचेंगी रानियां क्या बोलेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। छुपाए सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवनपति को भेंट ये देने में सकुचाए, आ गए शाम सखा इतने में आ गए शाम सखा। छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं, मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ दिखाओ क्या छुपा रहे। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा। नहीं ना। क्या छुपा रहे हो दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी, कुछ नहीं तो पान सुपारी भेज देंगी या कम से कम दो मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं नहीं ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। छुपाए छुपाए फिर रहे हो? वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल
प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती। स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन। अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम सबसे अनमोल भेंट है और इसे छुपा रहे थे तुम। इन तीन मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुदामा तीनों लोक वार दूं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है।
योगीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप? सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था? आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु, ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है, वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे दिलोकीनाथ, अब तीन मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे, तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं, मुझ में वो होगा और उसमें मैं, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु, आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदूल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में, लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे। हाँ लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गई। जब आप अपने मित्र से मिले तो उनको सारी हालत बता दीजिएगा। वो अवश्य आपके सारे दुख हर लेंगे। देखो वसुंधरा, मैं वहां जा रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्वामी, मांगने से तो इंसान देता है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आप केवल एक बार उनके पास पहुंचते जाइए। अच्छी बात है, चला जाऊंगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। अरे ये क्या कह रहे हो, क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? और फिर अपने मित्र से मिलने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आओ बैठो मित्र,
आओ बैठो मित्र। क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ भी तो नहीं। भाभी से पहली बार जुदा हुए हो ना, अवश्य उनकी याद तुम्हें सता रही होगी। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। अच्छा भाई मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं मित्र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपने बाल सखा के साथ कुछ पल और बिताने का अवसर मिल गया। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसा मित्र मिल गया है। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मित्र। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो हा? और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। सुदामा यही अवसर है, यदि मांगना है तो इसी समय मांग ले, मांग ले। नहीं नहीं, नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि मित्रता मैं निभाऊंगा, सो मेरा वचन आज भी सत्य है। अरे आज भी सत्य है। बताओ कोई सेवा, कोई काम, कोई मदद? अरे मित्र से कैसा पर्दा, बताओ क्या बात है? नहीं कुछ भी तो नहीं। तुम वैसे ही शंका कर रहे हो, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दया से सब कुछ तो है यहां। हाँ अरे यहां तो सब ठीक है, मेरा मतलब था तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक ही है। परंतु भाभी ने अवश्य कोई संदेशा भेजा होगा? जिस भाभी जी ने चावलों जैसी अनुपम भेंट भेजी थी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये कैसे संभव है? यदि कोई संदेश भेजा होता तो चावल की भेंट के साथ कहना दिया होता। क्या पता सबके सामने चावल छुपा रहे थे, वैसे ही हो सकता है संदेश भी छुपा रहे हो। लेकिन इस समय तो मेरे अलावा यहां पर और कोई नहीं है, फिर कैसी लज्जा? बताओ ना भाभी ने क्या कहा, बताओ ना। आते समय वसुंधरा ने कहा था कि हाँ हाँ क्या कहा था? यही कि अपने मित्र से कहना कि हाँ हाँ क्या कहते ना, यही कि तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ही है। अरे भाई सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो, इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, यह आपने कैसे मान लिया भगवान? देवी जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा, होगा कैसे?
मेरा घर भी राजमहल बन गया, कितना सुंदर दिखता है। चलो चलो आओ अंदर चल के देखे, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वाह प्रभु, सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है। जल्दी जा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना, अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। का अभी
Thank you.